हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, पीजीटी टीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समवर्षा रेखा क्या है? ऑप्शन ए, ऐसी रेखा जहां समान वर्षा होती है। ऑप्शन बी, ऐसी रेखा जहां समान तापमान होता है। ऑप्शन सी, ऐसी रेखा जहां समुद्री लेवल बराबर होता है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऐसी रेखा जहाँ समान वर्षा होती है। ऐसी रेखा जहाँ पर होने वाली वर्षा समान होती है, समवर्षा रेखा कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी बिहार। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अंडमान व निकोबार द्वीप या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। भारत में मैंग्रोव मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में स्थित है। इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोव हैं। भारत में मैंग्रोव का क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। यह 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यह वर्ष 2007 में खुला था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए है भारतीय रबड़, ऑप्शन बी है बासमती चावल, ऑप्शन सी है मालाबार कॉफ़ी और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग चाय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह जिसे प्राप्त हुआ था वह है दार्जिलिंग चाय, ऑप्शन नंबर डी। ज्योग्राफिक इंडिकेटर का उपयोग किसी क्षेत्र विशेष में विशिष्ट उत्पाद के लिए किया जाता है। यह उस उत्पाद की गुणवत्ता विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। नंबर एक गंगा के विशाल मैदान, नंबर दो गुजरात, नंबर तीन असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस के भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी एक दो तीन और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स गंगा के विशाल मैदान, गुजरात और असम तीनों ही क्षेत्रों में सेल गैस के भंडार पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक तूतीकोरिन एक कृत्रिम बंदरगाह है। नंबर दो तूतीकोरिन दक्षिण भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। तूतीकोरिन दक्षिण भारत के एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदलेरू बांध देश के
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी गोवा में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। कंदलेरू बांध कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कंदलेरू बांध का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया है। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम जलाशय से पीने योग्य पानी चेन्नई में पहुंचाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों का विवेचन कीजिए। नंबर एक पटकाई पहाड़ियाँ, नंबर दो मणिपुर पहाड़ियाँ, नंबर तीन मिजो पहाड़ियाँ और नंबर चार नागा पहाड़ियाँ। इनमें से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है एक और दो को, ऑप्शन बी है एक दो तीन को मिलाकर, ऑप्शन सी है एक दो तीन और चार को मिलाकर और ऑप्शन डी है दो तीन और चार को मिलाकर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रेंड्स एक दो तीन और चार को मिलाकर, यानी पटकाई पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ, इन चारों पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान में। भारत में रेलवे की शुरुआत 1854 में हुई थी। भारत में कुल रेलवे नेटवर्क का 121,407 किलोमीटर है। यह अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।